नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरी हाउ और मैं हूं नितेश उपाध्याय। चलिए आज की जो बड़ी खबरें हैं उन पर नजर डालते हैं। बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी यूपी में लोकसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रचार में अपने भतीजे आकाश आनंद को उतार दिया है। यूपी की पहली चुनावी रैली में आकाश आनंद ने पीएम मोदी के राशन और चंद्रशेखर आजाद के भाषण पर जमकर हमला बोला। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में नगीना में बहुजन विरासत की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। चंद्रशेखर के खिलाफ बसपा कैंडिडेट सुरेंद्र मेनवाल का प्रचार करने आकाश आनंद उतर गए हैं। आकाश आनंद ने अपने जीवन काल की पहली चुनावी जनसभा की शुरुआत इसी नगीना सीट से की है। आकाश आनंद ने नगीना की पहली जनसभा में चंद्रशेखर आजाद पर जबरदस्त हमला बोला है। चंद्रशेखर का नाम लिए बिना आकाश आनंद ने कहा कि वो सड़क पर हमारे लोगों को उतार कर लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, लेकिन अपना मुकद्दर बनाने के बाद लोगों को छोड़कर चले जाते हैं। आकाश आनंद ने कहा कि वो लोगों को गुमराह कर रहे थे, वो इंडिया ब्लॉक में घुसना चाहते थे ताकि अपनी एक सीट निकाल सके, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब कि अलायंस के बाद भी वो बेघर घूम रहे हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर और ये खबर है बीजेपी और आप के बीच छिड़े द्वंद को लेकर। दरअसल अब ये द्वंद जो छिड़ा है वो पोस्टर वॉर को लेकर छिड़ा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच एक पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ गया है। आपका आरोप है कि भाजपा ने अपने होर्डिंग्स में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाई है और उन्हें भ्रष्टाचारी बताया है। पोस्टर में एक तरफ लिखा है वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ, तो दूसरी तरफ लिखा है मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी हटाओ। आपने दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त से इसकी शिकायत भी की है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर पोस्टर के जरिए हमला बोला हो। पिछले 10 साल में ऐसे कई मौके आए हैं जब बीजेपी ने केजरीवाल पर अखबार में विज्ञापन के जरिए पोस्टर होर्डिंग्स लगाकर और बयानों से हमले किए हैं। चलिए अब नजर डालते हैं आज की एक और बड़ी खबर जो है पाकिस्तान से जुड़ी हुई। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ये कहने के एक दिन बाद कि यदि आतंकवादी भारत में शांति भंग करने और पड़ोसी देश भागने की कोशिश करेंगे तो भारत उन्हें मारने के लिए पाकिस्तान में घुसेगा। इस्लामाबाद ने शनिवार को बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे भड़काऊ बताया है। डॉन ने यह जानकारी दी। CNN न्यूज 18 के साथ शुक्रवार को एक साक्षात्कार के दौरान राजनाथ सिंह ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक साहसी कदम के तहत पाकिस्तान में आतंकवादियों की हत्या की। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तब से और खराब हो गए हैं जब 2019 में कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के होने का पता चला था। इसके बाद भारत को पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित आतंकवादी अड्डे पर हवाई हमला करना पड़ा था। पाकिस्तान ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि उसके पास उसकी धरती पर उसके दो नागरिकों की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने के विश्वसनीय सबूत हैं। हालांकि भारत ने इसे झूठा और दुर्भावनापूर्ण प्रचार बताया था, जिसको लेकर अब सियासत जो है गरमाई गई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो जुड़ी है लोकसभा चुनाव से। और आपको बता दें कि गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए रोड शो किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए तूफानी दौरे पर हैं। वो एक दिन में अलग अलग राज्यों में कई कई रोड शो कर रहे हैं, रैली और जनसभाएं भी कर रहे हैं। पीएम मोदी आज यानी शनिवार को 6 अप्रैल को गाजियाबाद में रोड शो आयोजित किया जा रहा था। रोड शो में पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग भी मौजूद रहे। गाजियाबाद लोकसभा सीट से विधायक अतुल गर्ग बीजेपी के उम्मीदवार हैं। गाजियाबाद में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। नरेंद्र मोदी गाजियाबाद के अम्बेडकर रोड पर मालीवाड़ा चौक से चौधरी मोड़ तक भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में रोड शो कर रहे थे। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग उमड़े और पीएम मोदी के वाहन पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, सड़क के किनारे लगे मंचों पर कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर रहे थे। और आज की सबसे एक और बड़ी खबर, दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सवालों के घेरे में आ गई है। एक वकील ने उनके और अन्य लोगों के खिलाफ
कथित तौर पर दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री की अदालती कार्यवाही को सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। एक वकील द्वारा दी गई शिकायत में दावा किया गया है कि कोर्ट की सुनवाई को सुनीता केजरीवाल और दूसरे राजनीतिक नेताओं के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर रिकॉर्ड किया गया है और प्रसारित किया गया है। शिकायतकर्ता वकील ने 28 मार्च को विशेष न्यायाधीश कावेरी बाजेवा की अध्यक्षता में अदालती कार्यवाही दिखाने वाले वीडियो को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को कानूनी नोटिस भी भेजा है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में सुनीता केजरीवाल, दूसरे आरोपी व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के खिलाफ अदालत के 26 अक्टूबर 2021 के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप लगाया है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें। कल फिर होंगे हाजिर कल की बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टोरी हाउ।